फ्रेंड्स, मैं संजीव ठाकुर जी, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में। और आज जो है हम लोग फिर से आए हुए हैं यश कार बाजार में। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाई थी यश कार्स की, और फिर से आज फिर से हम आप लोगों को यश कार्स की कलेक्शन दिखाएंगे। वैसे आज भैया नहीं है, बट उनके एसोसिएट जो है वो यहाँ पे है। और चलिए चलते हैं, तीन चार जो नई गाड़ियाँ हैं उनकी अपडेट लेंगे और आपको दिखाएंगे। सो फटाफट मिलते हैं गाड़ियों के साथ। सो गाइस, चलिए आपको मिलवाते हैं यश कार के मेन ऑनर से, जो यश भैया हैं, उनके फादर से। सो फ्रेंड्स, ये रहे यश भैया के फादर। सो अंकल जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे उन्होंने ये बिजनेस जो है स्टार्ट किया, और अपने बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। और रहा बात किस तरह बिजनेस शुरू किया, तो आपको ये बताएं कि बिजनेस करने का एक बेटा जो है यश, जब यह दसवीं में पढ़ता था तो वहां पे इसको पता नहीं क्या दिमाग में आया कि बाइक ली एंटाइजर बाइक। धीरे धीरे चलाते चलाते उसको क्या हुआ कि उसको मॉडिफाई करने लगा, उसको उपटंग बनाने लगा, उसको मॉडिफाई किया। फिर धीरे धीरे करते करते ये गाड़ियों के अंदर टू व्हीलर में जो है ये खरीदता था। धीरे धीरे 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते इसने गाड़ी खरीदना और बेचना टू व्हीलर, और गाड़ी भी थोड़ा सा हटके लेता था, आम गाड़ियां नहीं लेता था, लोगों के जो च्वाइस है वह उसी पे हाथ मारता था। तो ये धीरे धीरे उन टू व्हीलर में लगा, और टू व्हीलर में चलते चलते फिर धीरे धीरे जिप्सियां ली, जिप्सियां मॉडिफाई की, फिर कारें की, कारों का तो फिर अब ये आज अलवर के अंदर आप लोगों की दया से मास्टरपीस है। जहाँ टू व्हीलर से काम शुरू किया, फोर व्हीलर पे आके अब स्टैंड हुआ, कई साल हो गए करते करते। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है लाइन लगी पड़ी है। और इससे पहले भी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि कितनी सारी गाड़ियाँ थी। मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है अभी सेल हो गई हैं, और गाड़ियाँ जो है अभी स्टॉक में आ रही हैं। अभी फिलहाल अपने पास तीन चार गाड़ियाँ हैं जो कि हम लोग देखेंगे। सो अंकल जी, सबसे पहले आज जो है आप कौन सी गाड़ी जो है हमें दिखाने वाले हैं? देखो, सबसे पहले आज हम आपको जो दिखा रहे हैं एक होंडा सिटी है। अच्छा, अलवर नंबर है। सो अंकल जी, इस गाड़ी के बारे में बताइए। देखिए, होंडा सिटी गाड़ी है जी, फर्स्ट ओनर है, ठीक है, साफ सुथरी गाड़ी है, उससे 78,000 चली हुई है। अच्छा, 5,40,000 रुपए डिमांड है। डिमांड? अच्छा, और 14 मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल अनटच। अच्छा, ओनर कौन सी अंकल जी? फर्स्ट ओनर है जी। फाइनेंस अवेलेबल है गाड़ी? हाँ, पे बिल्कुल बिल्कुल 100% फाइनेंस भी यहीं करा के देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो अंकल जी, ये बताइए कि कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इस गाड़ी? देखिए, 5,40 की डिमांड है, इसके अलावा लगभग 4.5-5 लाख रूपए जो है इसका फाइनेंस हो जाएगा। होंडा सिटी टॉप मॉडल, साफ सुथरी गाड़ी, अनटच, ठीक, डीजल वेरियंट है जी सर। ओके अंकल जी, थैंक यू। सो गाइज, ये जो है कुछ गाड़ी है, अंदर से बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है। बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका। सो गाइस, इंजन जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और कुछ बातें ऐड करना चाहेंगे इंजन के बारे में? इंजन के बारे में है, साफ सुथरी गाड़ी है, इंजन देखो बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज नहीं कहीं से, कुछ नहीं। हम जो गाड़ियां देखो, मैं आपको गाइस बता दूं, पहले
यहाँ यश कार के ऊपर जो भी गाड़ी खरीदी जाती है उसकी खासियत है कि जितनी भी गाड़ी हमारे यहाँ आती है कोई एक्सीडेंट नहीं लेते, कोई ठुकी पिंदी नहीं लगते नहीं लेते। इन चीजों से हम लोग बचते हैं। हम साफ सुथरी गाड़ी हम चाहते हैं जो आपके घर में जाए, तो गाड़ी एक दुल्हन की तरह जाए, साफ सुथरी गाड़ी जाए। तो अंकल जी इस गाड़ी के बारे में बताइए। अल्टो, ठीक है, एलएक्स 2009 मॉडल। हाँ जी, ये 135,000 रुपये, ये लगभग 95,000 किलोमीटर चली हुई है। तो कौन सी ओनर है अंकल? ओनर बेटा ये सेकंड ओनर है। अच्छा, सेकंड ओनर गाड़ी। सेकंड ओनर है, ठीक। सो गाइस, दो गाड़ियों के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया है, चलते हैं। दो गाड़ियां और जो है यहाँ पे बची हुई है, दो गाड़ियों की बात और कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। सो अंकल जी इस गाड़ी के बारे में बताइए। देखिए, स्विफ्ट डिजायर। हाँ जी, ये 2010 मॉडल है, ठीक है। ये RJ5 भरतपुर नंबर है हमारे पास, ठीक है। 2005 है और 68,000 किलोमीटर चली है। ये 2.25 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ओनर कौन सी अंकल जी? ओनर सेकंड ओनर है ये। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए। इस गाड़ी के बारे में यह है कि स्टार एलएक्स के बारे में जो है, RJ14 जयपुर नंबर गाड़ी है, ठीक है। 2012 मॉडल है ये। 2012 मॉडल, 2012 है, 62,000 चली हुई है। अच्छा, 1,20,000 की इसकी डिमांड है, ठीक है। थैंक यू। सो गाइज, अगर किसी को भी चाहिए तो 1,20,000 रुपये लेकर आए और यहाँ यश कार से जो है अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं आप। सो नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारे पास है हुंडई की i20 मैग्ना वेरिएंट है, और इसके बारे में जो है हम जानेंगे अंकल जी से अभी।
अंकल जी हुंडई i10 जो है मैग्ना, उसके बारे में बताइए। देखिए मैग्ना जो है फर्स्ट ओनर है जी, 2014 मॉडल, ठीक है, और 3 लाख रुपए की इसकी डिमांड है और इसका जो लोन है 2.5 से 3.5 लाख हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात और है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम कीमत में आपको कार मिल जाएगी। हाँ। और उसके अलावा लगभग 72,000 किलोमीटर चली हुई है, चारों टायर इंजन बिल्कुल टिप टॉप गाड़ी है, आज भी बरकरार है। ये बताइए कि अगर कोई भी व्यूअर्स जो है हमारे आपको देख रहे हैं, वो अगर यहाँ आना चाहे तो कैसे कैसे उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? देखिए राजस्थान अलवर, अलवर में हमारे यहाँ हनुमान सर्किल है जी, फेमस है। हनुमान सर्किल से सीधा नमन होटल की साइड आते हैं तो नमन होटल से करीबन 200-250 कदम पहले ही हमारी ये शॉप है, शोरूम है यश कार के नाम से। हाँ। आप लोग बहुत इजी आ सकते हो, शहर में कहीं भी पूछ लो यश कार और नमन होटल के पास 200 फुट बाईपास। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर दें और देखते रहें ठाकुर जी संजीव चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।